खरगोन जिले के निहाल समाज के बाद अब कोतवाल समाज ने जनजातीय समाज का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में समाजजन कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने बताया कि प्रदेश में जातीय सर्वे में त्रुटियों के कारण हमारा समाज अनुसूचित जाति की श्रेणी बलाई में शामिल है, जो कि कहीं से कहीं तक बलाई समाज से समानता नहीं रखता है। समाज के थानसिंह वास्कल ने बताया कि पिछड़े तबके के कोतवाली समुदाय को अनुसूचित जनजाति के समान सामाजिक संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और भाषा शैली आदि समानताओं, विशेषताओं और प्रामाणिकताओं के आधार पर जनजाति समाज में शामिल किया जाना चाहिए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आदिवासी कोतवाल समाज को कोतवाल दर्ज नहीं करते हुए बलह अंकित किया जा रहा है, जबकि जाति की सूची में 32 नंबर पर कोतवाल जाति है और कोतवाल जाति की संस्कृति आदिवासी संस्कृति है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा शैली आदि हमारी आदिवासी है और आदिवासी लोगों के साथ रहन सहन हमारा रहता है। हमको अभी बलई में लिया जा रहा है सर, वो हमारे साथ घोर अन्याय है हमारे साथ। और कई जगह है क्या आदिवासी? जी आदिवासी हमारे कोतवाल समाज है सर, और छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है और कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में भी अनुसूचित जनजाति में लिया गया है, गुजरात में भी अनुसूचित जनजाति में लिया गया है और कर्नाटक में भी अनुसूचित जनजाति में लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति में लिए जाना, ये निवेदन करने के लिए हम आए हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD वास्कले है, प्रांतीय उपाध्यक्ष आदिवासी कोतवाल समाज संघ मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।